टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 20 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रूबरू होते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। सुप्रीम कोर्ट आज नागरिकता संशोधन नियम से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में इस कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई है। बिहार में एनडीए का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा एक सीट मिलने से नाराज है। वो अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए दो सीट चाहते थे, एक काराकाट और सुपौल या सीतामढ़ी में से एक सीट। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को इस बार भाजपा ने छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है। महाराष्ट्र पुलिस की C-60 कमांडो और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। गढ़चिरौली के जंगल में मुठभेड़ हुई, चार नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और मारे गए नक्सलियों पर 36 लाख का इनाम था। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी 19 से 20 मार्च को बैठक होने की संभावना है, जिसमें बचे हुए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु पहुंचेंगे और सलेम में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी का हारना थोड़ा मुश्किल नजर आता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। नोएडा पुलिस ने बताया है कि बिग बॉस OTT2 के विनर मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपना सोशल मीडिया फैंस बेस बढ़ाने के लिए भी रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई किया करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू आगामी लोकसभा चुनाव से दूरी बना सकते हैं, वह क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। सिद्धू इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कमेंट्री करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा सीट से दिवंगत कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर की पत्नी और वरोर भद्रावती विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक प्रतिभा धानोरकर ने चंद्रपुर लोकसभा सीट पर अपना दावा पेश किया है। हिंगोली के कलमनुरी में दिन की तीसरी रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, EVM सरकार ने शिव भोजन जैसी अच्छी योजनाएं शुरू की और कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों की मदद भी की। हमारी सरकार इसलिए गिरी क्योंकि मैंने निवेश को महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाने दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने EVM सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में उम्मीदवारों की सूची जाहिर की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रिया दत्त कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गट का दामन थाम सकती है। प्रिया दत्त दिवंगत अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त की बेटी और एक्टर संजय दत्त की बहन है। महाराष्ट्र ने पिछले दिनों राज ठाकरे के NDA में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया था। बीच में उनकी चर्चा एक तरह के ठंडे बस्ते में चली गई, फिर और कवायद तेज हो गई है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर शिवसेना नेता विजय शिवतारे ने दावा किया है। कहा जा रहा है कि सीट अजित पवार गुट को भी मिल सकती है। इस सीट से शिंदे गुट के नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। AIMM अध्यक्ष ओवैसी ने महाराष्ट्र के एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इम्तियाज जलील के नाम पर मुहर लगाई है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने BMC कमिश्नर इकबाल चहल को हटा दिया। भारतीय शेयर बाजार की आज शुरुआत गिरावट के साथ हुई है और सेंसेक्स 72,500 के अहम लेवल के नीचे गिरा है। मेटल शेयर और PSU बैंकों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरियल इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। संकट से जूझ रही फिनेटेक कंपनी पेटीएम के लिए राहत की खबर है। सोमवार को कंपनी के शेयरों पर अपर सर्किट लगा है। पेटीएम के शेयरों में लगातार दूसरे दिन 5% की तेजी देखने को मिली। अदा शर्मा स्टार फिल्म बस्तर की कमाई लगातार नीचे गिरते जा रही है। सुदीप्तो सेन ने फिल्म के निर्देशन किया है और अदा शर्मा लीड रोल में है। फिल्म को दर्शकों का बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए NBC न्यूज। धन्यवाद।